पिछले साल अगस्त में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी अब आईपीएल में खेलने के साथ साथ अपने अलग अलग बिजनेस वेंचर्स पर फोकस कर रहे हैं। आइए धोनी के अलग अलग बिजनेस वेंचर्स पर एक नजर डालते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को गॉड गिफ्टेड क्रिकेटर माना जाता है। एक दशक से भी ज्यादा समय से उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया में नए एग्जाम्पल पेश किए। एक लीडर के तौर पर भी उनकी क्षमताएं अद्भुत थी। क्रिकेट में उनके दिमाग को सबसे तेज माना जाता है। कई बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेट में धोनी के दिमाग की मिसाल देते हैं। अब धोनी का फोकस चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा बिजनेस पर भी है। महेंद्र सिंह धोनी इंडियन सुपर लीग में खेलने वाली फुटबॉल टीम चेन्नई एफसी के बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ मालिक हैं। उन्हें कई बार आईएसएल में मैच देखते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा धोनी भारतीय हॉकी लीग में रांची रेस के भी को ओनर हैं। रांची रेस को पहले रांची राइनोस के नाम से जाना जाता था। इसने 2015 में लीग जीती थी। फुटबॉल और हॉकी के अलावा धोनी सुपर स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम, जिसे माही रेसिंग टीम इंडिया भी कहा जाता है, उसके भी मालिक हैं। 2016 में महेंद्र सिंह धोनी ने लाइफस्टाइल ब्रांड 7 को लॉन्च किया था। उन्होंने अपनी जर्सी नंबर 7 पर इसका नाम रखा था। 7 क्लॉथिंग और फुटवेयर में डील करती है। 7 में धोनी फुटवेयर के मालिक हैं। इसके अलावा रीति स्पोर्ट्स ग्रुप की कंपनी RS7 लाइफस्टाइल के वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रीति स्पोर्ट्स में भी हिस्सेदारी है। ये एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मार्केटिंग कंपनी है। धोनी स्पोर्ट्स फिटवर्ड प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड के नाम से फिटनेस मार्केट में भी प्रवेश कर चुके हैं। फिटनेस के प्रति धोनी का प्रेम यहां दिखाई पड़ता है। स्पोर्ट्स फिट के फिलहाल दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, गुड़गांव और अन्य शहरों में 11 स्टूडियो हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप खाता बुक में भी निवेश किया है। वो खुद इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस कंपनी ने 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठे किए हैं। धोनी का भी इसमें बहुत सा पैसा लगा है। ये कंपनी छोटे बिजनेस के अकाउंट्स और खातों को मैनेज करती है। बिजनेस वेंचर्स के अलावा धोनी ने रांची में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी पैसा लगाया है। 43 एकड़ फार्म हाउस में वो 10 एकड़ का इस्तेमाल खेती के लिए कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज, मटर, टमाटर, बंद गोभी और अन्य कई सब्जियां वो पैदा करते हैं। यहाँ पैदा हुए फल दुबई में भी निर्यात किए जाते हैं और धोनी को इससे अच्छा मुनाफा होता है।